वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब सही होंगे, बहुत सारा पढ़ रहे होंगे, मजे भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो गौर से देखिए। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का उपकरण है। और वो कैसा उपकरण है? वो एक स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, इनमें से कुछ नहीं है। मनोज कुमार, ओके। शिखावत सिंह, गुड मॉर्निंग मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शिखावत। स्वाति सिंह, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। संजय कुमार सैनी, गुड मॉर्निंग मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू संजय। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। चलो अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वाति सिंह स्कैनर, शिखावत सिंह स्कैनर, संजय कुमार सैनी सी प्रिंटर। ओके, वेरी गुड। ओके, सो बताइए, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। और कोई आंसर देना चाहेगा? लोटर ग्लास, डी कीबोर्ड, शिखावत सिंह स्कैनर। ओके, मिस्टर झाकर, गुड मॉर्निंग मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ओके, शिखावत सिंह स्कैनर। ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा या फिर मैं आगे बढ़ूं? बताओ, आंसर बताओ। तो जो लोग स्कैनर बोल रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन आप गलत हैं। स्कैनर नहीं है, प्रिंटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। प्रिंटर दो तरह के होता है ना, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो आपका क्या है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटर है। रितेश अग्रवाल, प्रिंटर। ओके, शिखावत सिंह स्कैनर। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, टैब की इज यूज्ड। टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में जो आपका टैब की होती है उसका काम क्या होता है? टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन होती है उस पर कर्सर को इधर उधर मूव करना। ठीक है, रितेश अग्रवाल, फर्स्ट का प्रिंटर। हाँ जी रितेश, फर्स्ट का प्रिंटर। मैम फिर से गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू रितेश। ओके, संजय कुमार सैनी, यस मैम। ओके, बताओ, टैब कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड पर टैब की होता है। टैब की का काम क्या होता है? कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने का। टू इंडेंट अ पैराग्राफ, टू मूव अ कर्सर ओनली ए एंड बी एंड ऑफ दीज। बताओ क्या सही आंसर है इसका? संजय कुमार सैनी, बी टू इंडेंट अ पैराग्राफ। राहुल सैनी, हेलो मैम, हेलो जी, हेलो। रितेश अग्रवाल, सेकंड कम। टू मूव अ कर्सर, स्वाति सिंह बी, संजय कुमार सैनी बी, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। ओके, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, सोच लो रितेश। मनोज कुमार सी, मैम कंप्यूटर ज्यादा नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं भाई, कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए ही तो आए हैं आपको, कैसे चिंता कर रहे हो भाई। मनोज कुमार सी, लोटर ग्लास ए, शिखावत सिंह डी, ओनली ए एंड बी। गाइच गाइच, टैब की का जो काम होता है ना, वो आपका स्पेस, प्रॉपर स्पेस, और आपका रितेश अगर मैम बी को लॉक करें, वही है आंसर। अच्छा, तुमने चेक कर लिया है? यस, ओके, आंसर लॉक कर दिया जाए। बी पर आ गए हो तुम तो ए बोल रहे थे। मैम सेकंड का ए ऑप्शन को समझाओ। शिखावत सिंह,
अरे ए ऑप्शन होता है कर्सर को मूव करना, ये स्क्रीन है, इस पर ऐसे कर्सर नहीं बना होता है, उसको इधर उधर मूव करना जो आप माउस से करते हो, या जो एक स्पेस बना हुआ होता है ना उस पर आप अपनी फिंगर से मूव कर रहे होते हो अपनी फिंगर को। ओके अब समझ में आया, अभी टू इंडेंट अ पैराग्राफ्स। ओके टू इंडेंट अ पैराग्राफ, ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। ओके नेक्स्ट, टू गो टू द बिगनिंग। आज मैं सोच रही हूँ इसके काफी सारे क्वेश्चंस ना हम कर लें क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट आई हूँ। टू गो टू द बिगनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस, टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए प्रेस करें। होम पेज अप एंटर नन ऑफ दीज, कीबोर्ड की कौन सी की है जिसके इस्तेमाल से हम जो भी टेक्स्ट है, जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पर जा सकते हैं। होम पेज अप एंटर नन ऑफ दीज। हाँ तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो रितेश, क्या हो गया है, क्या खा लिया आज तुमने ब्रेकफास्ट में? शिखावत सिंह बी। ओके तुम इसी का है, तुम्हें मैंने कई बार बोला है ए बी सी डी वाले जो लोग हैं ना ये क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो क्योंकि मेरे पास लेट रिस्पॉन्स आ रहा होता है तुम लोगों का, आधे तो मुझे पता भी नहीं चलते। स्वाति सिंह डी, नन ऑफ दीस। कूल भाई संजय। ओके त्रिकुटा अंबे दीवानी रिंकी डी। ओके अगर मैंने तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो आई एम रियली सॉरी। धीरज कुमार गुड मॉर्निंग मैम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू धीरज। जल्दी बताओ, शिखावत सिंह थ्री का डी, नन ऑफ दीस। ओके स्वाति सिंह नन, धीरज कुमार हाय हेलो, शिखावत सिंह थ्री का डी, संजय कुमार सैनी थ्री का ए। ओकेस ओकेस मुझे बताते हुए बहुत खेद हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, आज ही जाकर कीबोर्ड का इस्तेमाल देखना। होम जो होता है, होम की जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी आपको टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग पर आना होता है तो आप होम की प्रेस करते हो और आप बिल्कुल टेक्स्ट या लाइन के या पैसेज के बिल्कुल बिगनिंग पर आ जाते हो। ठीक है ओके, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जीएम मैम गुड मॉर्निंग, बुशरा सिद्दीकी होम गुड आफ्टरनून मैम। बुशरा अभी 11:16 हो रहे हैं और अभी गुड आफ्टरनून नहीं हुआ है तो गुड मॉर्निंग बुशरा। ओके ठीक है अब इस पर आओ, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है, कौन से हैं, सबसे आम इनपुट डिवाइस कौन से हैं? माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, नन ऑफ दीस। अब देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जहां से आप डेटा को कंप्यूटर में आप एंटर करवाते हो राइट, वो होते हैं। मैंने बता दिया मैम, आपने बोला ही नहीं नेम, आई एम रियली सॉरी आकाश। मेरे पास ना आप लोगों के जो रिप्लाई है ना बहुत लेट आते हैं पता है, और इस वजह से कुछ नाम आ भी नहीं पाते, तो आई एम रियली सॉरी। कृष्णा कुमार मैच होम लोटा ग्लास डी, कृष्ण कुमार मैच गुड मॉर्निंग मैम, अ वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णा कृष्णन सॉरी। संजय कुमार सैनी डी, आकाश डी, लोटा ग्लास डी, मनोज कुमार डी, शेखावत सिंह डी, लोटा ग्लास डी, कीबोर्ड माउस। वेरी गुड गाइस वेरी गुड, क्या बात है, कीबोर्ड माउस वेरी गुड। कृष्ण क्लास मैथ्स कीबोर्ड माउस, स्वाति सिंह कीबोर्ड माउस वेरी गुड। कीबोर्ड माउस जो है आपके सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। डी नहीं होगा बच्चे, डी नहीं होगा, डी क्यों होगा, सॉरी 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 डी होगा, सॉरी सॉरी मेरा दिमाग चल गया, सॉरी डी होगा, कीबोर्ड माउस होगा, मुझे नन ऑफ दीस दिमाग में आ रहा था सॉरी। कीबोर्ड और माउस जो है वो आपका क्या है, आपका सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजर यूजेस, सभी जानकारी देखने के लिए कौन सा डिवाइस आउटपुट का उपयोग करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू। ये कप नहीं है, ये सीपीयू है ठीक है। नन ऑफ दीस। लोटा ग्लास मैंने भी बताया था मैम, ने मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि तुमने मुझे आज बर्थडे विश किया, ऐसे मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। संजय कुमार सैनी मैम, मैम ऑप्शन में नहीं है भाई। ओके
बताओ भाई। स्वाति सिंह, मॉनिटर, आकाश, ए। ओके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बुशरा सिद्दीकी, मॉनिटर। वेरी गुड बुशरा, आकाश, स्वाति, वेरी गुड गाइस। और बताओ भाई, और कहाँ गए? लोटा ग्लास, कृष्ण, मॉनिटर, शिखावत सिंह, मॉनिटर। वेरी गुड शिखावत, कृष्ण, वेरी गुड, इंप्रेसिव, नाइस गाइस। मॉनिटर इज अ करेक्ट आंसर। मॉनिटर का ही इस्तेमाल किया जाता है सभी जानकारी देखने के लिए। कौन सा डिवाइस आउटपुट का उपयोग करता है? मॉनिटर। ओके वेरी गुड। टाइप ऑफ माउस इज, माउस का प्रकार है। टाइप ऑफ माउस, माउस का प्रकार है। आप सभी ने सही आंसर दिया इसके प्रीवियस क्वेश्चन का, जो सही है, सही आंसर दिया है। मैम आपका बर्थडे? अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है। टाइप ऑफ माउस इज, माउस का प्रकार है। मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, नन ऑफ दीज। बताओ इसमें से कौन सा आपका जो है माउस का टाइप है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज मैं सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाऊंगी। संजय कुमार सहनी, तुम तो मेरे बर्थडे के पीछे पड़ गए हो भाई। नहीं है मेरा जन्मदिन आज। स्वाति सिंह, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल, वेरी गुड। आकाश, ए, मैकेनिकल, जनरल। ओके बुशरा सिद्दीकी, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, आकाश, ए। शिखावत सिंह, सिक्स, बी। वेरी गुड, वेरी गुड शिखावत। रितेश अग्रवाल, सिक्स का बी। गुड रितेश। लोटा ग्लास, बी। शिखावत सिंह, सिक्स का बी। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर गाइस। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब ऑप्टिकल वाले कौन से होते हैं माउस? ऑप्टिकल वाले माउस कौन से होते हैं? वेरी गुड गाइस, गुड। संजय कुमार सैनी मैम, पीडीएफ बच्चे मिल जाएगी, पीडीएफ टेंशन ना लो, सब मिल जाएगा। आई एम कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्टिकल मैकेनिकल। ठीक है, ऑप्टिकल वाले देखे होंगे ना, एक माउस, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो इसमें हंसना मत। लेफ्ट और राइट की होती है, और बीच में ना कुछ ऐसा व्हील सा होता है जिसको, जिसकी हेल्प से आप स्क्रॉल करते हो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में ऊपर में आपकी जो एफ वाली कीज होती है, ठीक है, फंक्शन की कहते हैं उनको। क्वेश्चन को क्लास मैथ्स भी। ओके अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी कीज बनी हुई होती है ना, F1, F2, कितनी होती हैं वो? 14, 13, 12, 15, 16, बताओ जल्दी कितनी होती हैं? संजय कुमार सैनी, सी, 12, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके संजय कुमार सैनी, 12, लोडाग्लास, 12, आकाश, 12, स्वाति सिंह, 12। ओके रितेश अग्रवाल, 7th का 12, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, गुड, इंप्रेसिव, नाइस। हाँ, F1 to F12, ठीक है। हाँ तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, गुड। ये तो सबको पता था, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। ओके प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन, प्रिंटिंग हेड और कागज को छुआ जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों में, बोथ ए एंड बी, थर्मल प्रिंटर, नन ऑफ दीज। बताओ किसमें टच किया जाता है? प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन, शिखावत सिंह, 12, एफ की, वेरी गुड। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। अरे ओके ओके,
प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन, ओके गाइस। संजय कुमार सैनी ए, अब ए बी, ओके। बुशरा सिद्दीकी ए, शिखावत सिंह बोथ। संजय कुमार सैनी ए बी, बी ओनली, ओके। संजय कुमार सैनी कृष्णन बोथ ए एंड बी। सोनी कुमार डी, ओके। शिखावत सिंह बोथ, लोटर क्लास बोथ ए एंड बी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें से जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, उनका काम होता है वो टच करके आपका जो भी इमेज है, टेक्स्ट है, उसको पेपर पर आपका जो है ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, स्ट्राइकिंग विद अ पेपर रिबन जो भी है। तो प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड, तो वो किसमें होता है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है, ओके। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, गुड। By which printer a character prints in only the stroke? किस प्रिंटर से कोई कैरेक्टर केवल एक स्ट्रोक में प्रिंट हो जाता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर। शिखावत बोथ ए एंड बी, नहीं शिखावत नहीं, तो ऑप्शन इम्पैक्ट प्रिंटर जो था, ठीक है, वही होगा उसका आंसर, बताओ। ए बी सी डी वाले जो तुम लोग हो ना, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर को साथ में लिख के बोलो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे टेक्स्ट बहुत लेट में आते हैं और मुझे नहीं पता चलता कि तुम किस चीज का आंसर दे रहे हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बुशरा, लोटा ग्लास बी, शिखावत सिंह बी, संजय कुमार सैनी बी, शिखावत सिंह बी, पुष्पा सिद्दीकी डॉट मैट्रिक्स, ओके गाइस, ठीक है। नाइन्थ का बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ करेक्ट ऑप्शन, इट इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है एक ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबका सही आंसर है, वेरी गुड गाइस, इंप्रेसिव, नाइस। अब बताओ इसका मुझे, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, नन ऑफ दीस, बताओ कौन सा नहीं है। स्वाति सिंह मॉनिटर सबसे पहला आंसर, वेरी गुड स्वाति, गुड। सोनू कुमार ए, कीबोर्ड, लोटा ग्लास बी, ओके गाइस, मॉनिटर इज अ करेक्ट आंसर। मॉनिटर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ओके। What is the function of a keyboard in computer? Computer में keyboard का क्या कार्य है? Print करना, input, type in between, input and output, none of these. Class monitor, okay, शिखावत सिंह monitor. Okay जी, आप सबने सही answer दिया था previous question का, very good, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास इतने इतने intelligent बच्चे हैं, good, अब इस question का answer दो। कीबोर्ड का काम क्या होता है? आकाश बी, शिखावत सिंह, तुम शिखावत मॉनिटर पे ही अटके हुए हो अभी तक। इलेवेंथ का बताओ बच्चे, आकाश इलेवेंथ का बी, सोनू कुमार सी, संजय कुमार सैनी सी, रितेश अग्रवाल इनपुट देना, स्वाति सिंह टाइप, कृष्णन क्लासेस मैथ्स टाइप, संजय कुमार इलेवेंथ का सी टाइप, लोटर ग्लास बी, शिखावत सिंह टाइप, रितेश, बुशरा, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बी, आकाश जिन्होंने बी चूज किया है, क्या बात है, वेरी गुड। इनपुट, ठीक है, इनपुट देने का काम जो होता है वो आपका कीबोर्ड का होता है, ठीक है,
ओके, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट उत्पन्न करता है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, प्रिंटर, प्लॉटर, ए एंड बी, नॉन प्लॉटर. कौन है जो हाई क्वालिटी की जो है आपका क्या है क्वेश्चन, हाँ, हाई क्वालिटी आउटपुट आपका प्रोड्यूस करता है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, प्लॉटर, ए एंड बी, नॉन प्लॉटर. बताओ, जल्दी बताओ. जो प्लॉटर होता है वो प्रिंटर से अलग होता है, ये आपका जो पेन से डिजाइन फॉर्म करता है, ठीक है? ओके, यस. प्लॉटर जो है इंजीनियर, जो आपके इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी सिटी प्लानर्स होते हैं, वो सब आपका प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हाई क्वालिटी देता है ये. ओके, और हाँ, क्वेश्चन क्या है? हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है आपका? प्लॉटर इज अ करेक्ट आंसर. आपका जो हाई क्वालिटी आउटपुट है वो आपका प्लॉटर प्रोड्यूस करता है. प्लॉटर जो है आपका ग्राफिकल आउटपुट्स जो होते हैं, ग्राफ्स फॉर्म करने के लिए, डिजाइंस बनाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? पेन से आपका बनाया जाता है. ओके, द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया गया कार्य कंप्यूटर के किस भाग में प्रदर्शित होता है? सीपीयू, वीडीयू, एलयू, आईबीएम, नन ऑफ दीज. वीडियो होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यही नहीं बेटा, पहुंच गई. हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हाँ जी, बताओ. कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया गया कार्य कंप्यूटर के किस भाग में प्रदर्शित होता है? 13th का बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, वीडियो. 13th का बी, बुशरा. वीडियो, लोटा क्लास. वीडियो, कृष्णन को क्लास, क्लासेस मैथ्स. वीडियो, बुशरा सिद्दीकी. वीडियो, लोटा क्लास. वीडियो, हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो आपका होता है मॉनिटर, ठीक है? मॉनिटर पर ही आपका जो है पूरा का पूरा जो आउटपुट होता है वो आपका शो किया जाता है. उसका दूसरा नाम है दैट इज योर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है. गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ आउटपुट? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दीज. इनमें से कौन सा जो है आपका आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दीज. तो स्वाति सिंह, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो, मुझसे मुझे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा. शिखावत सिंह, वीडियो. वेरी गुड. अब इस क्वेश्चन पर आओ, 14th का सी, आकाश, ठीक है? ओके, लोटा ग्लास पेपर, बुशरा सिद्दीकी, प्रिंटर, शिखावत सिंह, कीबोर्ड.
हितेश 14 का प्रिंटर। अच्छा पूछ रही हो, हाँ जी ये हेल्पफुल है। ठीक है शिखावत सिंह प्रिंटर, सोनू कुमार सी। ओके जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, करेक्ट आंसर सी है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट का एक मीडियम है। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, कंप्यूटर में डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड मॉनिटर स्कैनर माउस, नन ऑफ दीस। आकाश रुको मैं तुम्हें अभी जो है ना लास्ट में समझाऊंगी, पहले मैं ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं। ठीक है और तुम्हारे मैसेजेस मेरे पास अब आ रहे हैं, मैं तुम्हें इतनी देर से बोल तो रही हूँ। बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, कंप्यूटर में डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड मॉनिटर स्कैनर माउस, नन ऑफ दीस। आकाश ए कृष्णन कीबोर्ड। ओके 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 स्वाति सिंह कीबोर्ड, शिखावत सिंह 15A, लोटा ग्लास ई। ओके फिफ्टीन का स्कैनर। सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रखा है, ये आएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन में ACD आएगा, बताओ कौन सा है। डिजिटाइजर। ओके सेवेंटीन का सी, सॉरी 15 का सी स्कैनर होगा। ठीक है स्कैनर इज अ करेक्ट आंसर, स्कैनर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है सॉरी इनपुट डिवाइस है, सॉरी 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 स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ओके अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ओके व्हेन वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंजल बर्ट इन स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी, स्टैनफोर्ड अनुसंधान प्रयोगशाला में डॉगलस एंजल बर्ट द्वारा कंप्यूटर माउस का आविष्कार कब किया गया था, 1977, 1980, 1970, 1952, नन ऑफ दीस। बताओ बताओ कब किया गया था ये क्वेश्चन, ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बताओ कब किया गया था। नाइनटीन लोटा ग्लास 1960। कृष्णन 1980। नोप्स शिखावत सिंह 1960। ओके बी मे बी 1980। आहा, नहीं बताओ इसका आंसर जो होगा वो आपका नन ऑफ दीज होगा, 1968 में जो है इन्वेंट किया गया था। ठीक है नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं है, 1968 में इन्वेंट किया गया था।
ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कितने प्रकार के होते हैं बताओ? शिखावत सिंह 1960? नहीं जी, 1968 में हुआ था, बताओ इसका, बताओ मुझे। 17, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर? प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं? पता ही नहीं था अभी तो। ओके, स्वाति सिंह 2, आकाश कुमार 2 टाइप्स, ओके, कृष्णन 2, ओके, ठीक है। शिखावत कहाँ गए तुम? शिखावत सिंह 2 टाइप, 9, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 17 का 2, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, 2 टाइप, 2 टाइप, ओके, ठीक है, वेरी गुड। प्रिंटर्स आपके 2 तरह के होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स पर सेकेंड, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है, वो आपका कैरेक्टर्स यानी जो भी आपका वर्ड्स है, पर सेकेंड कितने कैरेक्टर को प्रिंट करता है? ऑप्शन है 100 to 200, 5 to 50, 5 to 100, 5 to 75 और 200 to 4000। मिस्टर जाकर 3, किसी का आंसर दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 18 का? इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते हैं, ठीक है, और आपके डेजी व्हील प्रिंटर आता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके 2 प्रिंटर्स आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके 3 आते हैं, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, जिनको हम इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं लोटा ग्लास, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, एमसीक्यूज तो बहुत हो गए हैं, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं एक टेक्स्ट की भी क्लास ले लूँ तुम लोगों की, जिसमें सारा का सारा जो भी है वो मैं टेक्स्ट पढ़ाऊँ, ठीक है, तो उसकी भी क्लास होगी। शिखावत सिंह 100 and 200, कृष्णन मैथ्स ए, शिखावत सिंह 100 and 200। देखो जो आंसर 60 to 300 कैरेक्टर्स जो होता है ये पर सेकेंड आपका क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं ना, वो आपका 60 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड प्रिंट करते हैं। तो बताओ ये कौन सी रेंज में लाए कर सकता है, बताओ कौन सी रेंज में ये लाए करेगा? मैम बहुत सही सोच रहे हो आप, थ्योरी क्लास ले लो, थ्योरी ठीक है मैम, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दे बच्चे, ये प्रैक्टिकल बेस्ड ही चल रहे हैं तुम्हारे। ओके ठीक है, थ्योरी की मैं भी, थ्योरी की मैं क्लास लूंगी, मैं भी स्केड्यूल कर रही हूँ, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा पूछ रही थी कि तुम लोगों को एमसीक्यू से सीधा थ्योरी पे कर दूंगी तो कहीं हावड़ा लीली ना हो जाओ तुम लोग, इसलिए। ओके बताओ कैरेक्टर प्रिंटर कौन, ये जो रेंज है 60 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड की, वो कहाँ पर लाई कर रही है? इनमें से तो मुझे लग रहा है कहीं लाई नहीं कर रही है, बचता है ये 200 to 4000, इसमें लाई कर रही है, ठीक है। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ई है, ठीक है, 200 to 4000। अगर पूछे कैरेक्टर प्रिंटर कितना प्रिंट करता है, तो 60 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड प्रिंट करता है, और सारे ऑप्शंस में ये रेंज जो है वो इसी में ही आपका लाई कर रही है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं।
लाइन प्रिंटर प्रिंट्स लाइंस पर मिनट, एक लाइन प्रिंटर प्रति मिनट में लाइन प्रिंट करता है 100 टू 200, 5 टू 50, 50 टू 100, 20 टू 50, 400 टू 200, बताओ कौन सी रेंज में आएगा? ठीक है, एक लाइन प्रिंटर जो होता है वो 150 से 2500 लाइन पर मिनट में आपका जो है प्रिंट करता है, तो कौन सा आंसर होगा बताओ? हंड्रेड टू टू हंड्रेड नहीं भाई, 150, ये शायद यहां दिख नहीं रहा तुम्हें, 100 तो बताओ इसके हिसाब से क्या होगा? शिखावत सिंह, 100 और 200 नहीं बच्चे, 25 नहीं, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये 200 to 400 होगा। ठीक है, बताओ कौन सी रेंज में लाए करेगा? कृष्णन ई, ओके बताओ, कृष्णन ई, वेरी गुड। शिखावत बताओ, शिखावत सिंह, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो इतनी लाइंस को पर मिनट प्रिंट कर पाते हैं, 150 से 2500। ठीक है, अ स्कैनर लुक्स लाइक अ, एक स्कैनर डैश जैसा दिखता है, टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लो स्टाइल, नन ऑफ दीज। जो एक स्कैनर होता है वो किस तरह दिखता है, किसकी तरह दिखता है बताओ? बताओ स्कैनर जो है वो किसकी तरह दिखता है? बताओ, टाइप मशीन जैसा, सीरियसली? ओके स्वाति सिंह, टाइप मशीन, सैंडी सी, फोटोकॉपियर, शिखावत सिंह सी, कृष्णन फोटोकॉपियर। ओके, जो स्कैनर होता है वो फोटोकॉपी वाली जो मशीन होती है, इट लुक्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। ओके, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितनी एरो कुंजियां होती हैं? 1, 2, 3, 4, नन ऑफ दीस बताओ। कृष्णन कुमार, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोकॉपियर जैसा शायद, हाँ जी फोटोकॉपियर जैसा ही दिखता है। ठीक है, ओके अब इसका बताओ। 21, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर, बताओ भाई बताओ। स्वाति सिंह 4, ओके ठीक है, राइट अप डाउन 21st का 4, ठीक है ओके। स्वाति 4, कृष्णन 4, ओके गुड। 4 आपकी 4 एरो कीज होती है। ठीक है,
इन एनी करंट अवेलेबल कीबोर्ड हाउ मेनी टाइम्स नंबर की आर रिपीटेड, किसी भी वर्तमान उपलब्ध कीबोर्ड में संख्या कुंजी कितनी बार दोहराई जाती है? 1 2 3 4 नन ऑफ दीस। कृष्णन अप डाउन लेफ्ट राइट, हाँ जी वो देखा होगा ना साइड में, वो इस तरीके के ऑप्शन बने हुए होते हैं, वही है ठीक है। अब इसका बताओ 22 का। बताओ 22 का, किसी भी वर्तमान उपलब्ध कीबोर्ड में संख्या कुंजी कितनी बार दोहराई जाती है? कितनी बार दोहराई जाएगी? 1 2 3 4 नन ऑफ दीस। रितेश अग्रवाल 22 का 2, ओके ओके। कृष्णन क्लासेस 2, सैंडी 2, ओके हाँ जी 2 इज द करेक्ट आंसर। दो बार जो है वो आपकी रिपीट की जाती है। नेक्स्ट, द स्लेट सब्जेक्ट, द स्लेट सेव्ड ऑब्जेक्ट, शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, माउस के नीचे स्लेट के आकार की वस्तु कहलाती है। देखा होगा ना माउस के नीचे एक इस तरह का कुछ स्क्वायर में आप जो है ना एक कपड़ा टाइप या पैड जो होता है वो रखते हैं, ठीक है, स्क्वायर की शेप में पैड रखते हैं और उसके ऊपर आपका माउस मूव करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? माउस ओवर, माउस पैड, माउस पोर्ट, माउस कंडक्टर, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, इसका आंसर बताओ। सैंडी बी माउस पैड, वेरी गुड। एनी अदर आंसर्स? ट्वेंटी थर्ड का माउस पैड, वेरी गुड रितेश, ओके गुड। हाँ जी 23rd का बी माउस पैड इज अ करेक्ट ऑप्शन, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों, नन ऑफ दीज। बताओ इनमें से कौन सा आपका जो है आउटपुट डिवाइस है? 23rd का माउस पैड, ओके ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा? कृष्णन माउस पैड, हाँ जी बिल्कुल ठीक, उसको हम माउस पैड ही कहते हैं, ठीक है बताओ। देखो नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन आपका कट गया। माउस जो होता है वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। बचे तीन ऑप्शन, प्रिंटर, मॉनिटर। मॉनिटर भी हमें पता ही है कि ये क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, तो बचा क्या? प्रिंटर, ए एंड बी बोथ। रितेश 24 का सी है, 24 का सी माउस, कैसे भाई? कृष्णन बोथ ए एंड बी, ओके ठीक है डी, गुड कृष्णन, ओके बताओ। एनी अदर आंसर्स? रितेश, शिखावत ए एंड बी, वेरी गुड। कहाँ खो गए थे तुम शिखावत? तुम्हारे बिना तो क्लास अधूरी सी थी। हाँ जी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी। मॉनिटर तो है ही आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। जब ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस है तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ओके। विच कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा का रूप क्या हो सकता है? रिटर्न, अनरिटर्न, विजुअल, अनहियर्ड, ए एंड बी। अरे नहीं, प्रिंटर एंड मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, हाँ जी वही तो बोला, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, हाँ जी। अब इसका बताओ,
हाँ जी इसका बताइए, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज के सेशन का, एक मिनट, हाँ आज के क्वेश्चन का ये लास्ट, सॉरी आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। Which can be a form of data, visual, written and unwritten, visual, unheard. डेटा का विजुअल भी और रिटर्न भी। विजुअल डेटा क्या होगा भाई, विजुअल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब बताओ वैसे तुम मुझे। अनहर्ड मतलब सुना नहीं तुमने, विजुअल यानी देखना, ठीक है ओके। हाँ तो बताओ सी और डी, विजुअल और अनहर्ड, फॉर्म ऑफ डेटा पूछा है यहां पर, तो फॉर्म ऑफ डेटा अनरिटन यानी जो आपका स्टोर नहीं हो पाया, ठीक है, अनरिटन और रिटर्न, स्टोर्ड डेटा, तो स्टोर्ड और अनस्टोर्ड डेटा, उसके अलावा ये विजुअल और अनहर्ड है। बताओ सुनना नहीं, हाँ जी ठीक है, तो हम मैं आपसे टाइप ऑफ, फॉर्म ऑफ डेटा पूछ रही हूं, ठीक है, तो डेटा दो तरह के ही होते हैं आपके, तो अब बताओ, अब मुझे लगता है और क्लासिफायर हो चुका है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बताओ स्टोर्ड डेटा और अनस्टोर्ड डेटा इज अ फॉर्म ऑफ अ डेटा, ठीक है, विजुअल अनहर्ड नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा, ए एंड बी बोथ, ठीक है। What can be the form of data? Stored data or unstored data? Written or unwritten data? ठीक है, समझ में आया मिस्टर झाकर, बाय मैम, बाय, ओके शिखावत सिंह, ई ओके, ठीक है गुड, वेरी गुड, ओके देन, ठीक है गुड, ओके, तो इसी के साथ जो है आज का जो लेक्चर है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, शिखावत सिंह तुमने सही आंसर दिया है अब जाकर, ठीक है गुड, इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, आई होप कुछ चीजें आपको क्लियर हुई हो, एंड रही बात आपके थियोरेटिकल पोर्शन की, तो थियोरेटिकल पोर्शन के लिए मैं आपकी जो है अब क्लासेस स्टार्ट करूंगी थियोरेटिकल पोर्शन की, सो डोंट वरी अबाउट दैट, तो जो भी डाउट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको निकल रहे हैं वो आपके सारे थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के, मतलब और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।